मेरे घर के अंदर एक नेचुरली स्पॉन्ड पिंक शीप रहती है, जिसको ढूंढने में मुझे लिटरली घंटे लग गए थे। और अगर इसको फाइंड करने में मुझे इतने घंटे लगेंगे, माइनक्राफ्ट के रेयरेस्ट मॉब को ढूंढने में मुझे कितना टाइम लगेगा। उसका तो एक ही तरीका है। फिर मैंने एक दो दिनों तक एक क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर टेढ़े मेढ़े मॉब्स को स्पॉन करने की कोशिश करी और मैंने 15 बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट मॉब निकाले, और इनमें से कुछ की रेयरिटी देखकर तो भाई मेरा काम लग गया है। इसलिए मैं सोच रहा हूं हम लोग सबसे पहले इजी वाले मॉब्स को कलेक्ट कर लेंगे, और जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी वैसे ही मॉब्स हार्डर होते जाएंगे, और एंड में जाके मैं कलेक्ट कर लूंगा माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट मॉब। तो हम लोगों का पहला मॉब होने वाला है एक विलेजर जो एक मुर्गे के ऊपर चढ़ा हुआ है। बेचारे मुर्गे में क्या बीत रही होगी। और उसको पाने के लिए मुझे एक विलेजर जॉकी चाहिए होगा, जिसके स्पॉन होने की चांसेस सिर्फ 0.0025%। और इसका मतलब है मैं इसको नॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता। आई थिंक मुझे एक फार्म बनाने की जरूरत है। चलो वो तो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सारे मटेरियल्स कलेक्टेड हैं। और मुझे ये भी लग रहा है हम लोगों को इसे अपने बेस के पास में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाई ये बड़ा अजीब सा लगेगा एकदम। यहाँ पे बीचों बीच एक डंडा सा खड़ा हुआ है, तो हम लोग जल्दी से थोड़ा दूर आ जाते हैं अपने बेस से। हाँ, ये स्पॉट काफी बढ़िया लग रहा है। हम लोग जल्दी से समुद्र के बीचों बीच जाते हैं और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के इसके ऊपर बना लेते हैं अपना फार्म। अब देखो ये ऐसा कोई आलदू फालदू का फार्म नहीं है। मैंने एक्चुअली क्या किया, इसको ऐसे बनाया कि सारे नॉर्मल मॉब्स नीचे गिर जाते हैं और लावा के अंदर जाके तुम लोगों को पता है क्या हो जाता है, और जो सारे चिकन जॉकीज होते हैं वो ऐसे सेपरेट आउट करके इस रूम के अंदर आके कलेक्ट हो जाते हैं। और वो देखो वैशाली मकड़ी। वैसे इसका मतलब हम लोगों का फार्म परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम लोग जल्दी से वही ऊपर जाते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे AFK करके देखते हैं। 8 hours later. ओके, इस फार्म को मैंने बनाया था दिन में, हो चुकी है अब रात, और देखते हैं कौन स्पॉन हुआ है। हाँ, ये स्पॉन हुआ है। फिर से अपने आदमी लेके आ गया। मूली खाओ। खाते नहीं क्या, ये अजीब है यार ये लोग। देखते हैं मालिक को देखे है, इसने तो एक सेकंड में उठा ली। अरे यार ये मेरी गलती थोड़ी ना है, वो तुम लोगों को नहीं दे रहे। अरे बैठ गए ये लोग, खतरनाक वाली लड़ाई हो गई है। तो ये क्या चल रहा है भाई, देख रहे हो भाई क्या चल रहा है तुम लोगों के साथ। फिर से शुरू। नाइस, मार डालूंगा तुझे मैं। आई थिंक यार उसके लिए अपने गुलामों के साथ रहना काफी डेंजरस हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इसको एक नया घर दे देते हैं ना, और मुझे पता है इसके लिए बेस्ट घर गया है। और भाई मजा आ रहा है तुम्हें यहाँ पे। बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तुम उस डायन के साथ मजे लो। कितना अच्छा बन जाऊ मैं है, उसको रूममेट भी दे दिया। एनीवेज अब हम लोग चेक करके देखते हैं यहाँ पे कितने जॉकीज हैं। और अरे हाँ आ गया, नाइस। अब चलो भाई इसके अंदर जाके देखते हैं। चलो सेकंड ट्राई करते हैं। डर्ट ट्राई, एक सेकंड, मैं तो यहाँ पे सीधे डर्ट लगा सकता हूँ ना। और भाई कभी कभी मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने दिमाग का। अब यार इन लोगों ने ऐसा अजीब सा गुच्छा बना के रखा है, सारे एक ही जगह पे आके मिल गए। और ये भाई जॉम्बी विलेजर तो पूरा अटक गए सबके बीच में। इसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली हल्के हल्के एक एक जॉम्बी को मारना पड़ेगा। मैं गिर गया, नहीं नहीं यश। चलो फिर से ट्राई करते हैं। वैसे बेस्ट तरीका इनको अलग करने का है, बस चलते रहो, ये मेरे पीछे आते रहते हैं, और जो भी ज्यादा स्पीड में आ रहा होता है उसके साथ ये होता है। मुर्गी चो। ओके भाई अब बस दो बचे हैं, इनको अलग करने के लिए मुझे पता है क्या करना चाहिए। ये आई लाइक इट जी। ये रहा भाई अपना बंदा। चलो मैंने इसका अब नाम रख दिया। अब हम लोग इसको जल्दी से यहीं पर ही क्योर कर देते हैं, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी को तो यहाँ से ले जाने वाला खुले आसमान में, वो भी ये लो भाई तुम अपनी दवाई। और भाई मुझसे मत पूछना उसके अंदर क्या गाला भरा हुआ है, ठीक है ना। अब भाई सवाल ये है कि जब ये विलेजर बन जाएगा कहीं अपने मुर्गे से तो उतर नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यार हम लोगों के पहले मॉब की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। चलो क्या ही कर सकते हैं, वेट करके देखते हैं। एक्चुअली नहीं उतरा ये, ये पहला मॉब तो आ गया, बढ़िया। अब मैं इसको बस लेके जाता हूँ अपने घर। और क्या ये हवा के अंदर उड़ सकता है, देखते हैं। और रस्सी टूट गई, इसका मतलब मुझे पूरे रास्ते इसको चला के ले जाना पड़ेगा। अब चलो इसको हम लोग अपने मॉब म्यूजियम तक लेकर चलते हैं, जिसके अंदर मैं अपने सारे रेयरेस्ट मॉब्स को रखने वाला हूँ। ये बिल्ली, इसको तो वही पकड़ना पड़ेगा मुझे। और गाइस ऐसे पकड़ लिया मैंने अपना दूसरा मॉब, मजाक कर रहा हूँ मैं वैसे। और ये आ गए हम लोग बेस। अगला काम है इनको म्यूजियम में डालना, लेकिन बात ये है म्यूजियम तो अभी तक बना नहीं है, तो भी हम लोग इनके लिए एक बड़ा सा घर बना लेते हैं आई थिंक इधर। अब चलो इस सीधी जमीन के ऊपर हम लोग अपनी पूरी बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। और भाई ये बन चुकी है हम लोगों के मॉब्स की अरे वो गलती से मुंह से निकल गया म्यूजियम। हाँ अब मैं तुम लोगों को इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ, जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की एंट्री, मेरी चोंच भाई साहब वहाँ पे लगी। एनीवेज ये रहा हम लोगों का इंटीरियर। यहाँ पे मैंने हमारे सारे मॉब्स के लिए अलग अलग तहखाने से बना रखे हैं, जिनके अंदर मैं उनका नेचुरल हैबिटेट को बनाने वाला हूँ। और हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, इधर मैंने इसे 3 ट्यूब से बना रखे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा रूम बनाने वाला हूँ जो ऐसा लगता है एक रिसर्च लैब है। और इन ट्यूब के अंदर हम लोगों के 3 मॉब्स आने वाले हैं जो थोड़े बहुत सिमिलर हैं। और वैसे इसके पहले पाइप के अंदर
हम लोगों का विलेजर चिकन ही आने वाला है, तो जल्दी से हम लोग उसको पकड़ के लाते हैं। हैं, एक सेकंड भाई, बिल्ली किधर है? और ये इतने जल्दी बड़ा हो गया? इतने जल्दी तो नहीं होता है, बिल्ली तो नहीं खा गया है भाई? सच बताओ, झूठे। अब चलो यार, क्या ही कर सकते हैं, बिल्ली वैसे भी रेयर मॉब नहीं थी। और ये भाई आ रहा है अपना उछल उछल के, ऊपर ठुक गया उसका थोड़ा सा। एनीवेज, इसमें से एक रैंडम ट्यूब के अंदर डाल देते हैं इसे। ये भाई ग्लास फूट गया, और बस तमीज से अंदर आ जाओ प्लीज यार, बहुत टाइम लग चुका है, रात हो रही है। यस, थोड़ा सा धक्का, मैं निकला। ये भाई क्या करूं अब मैं इसका, मैं चाहता नहीं था ऐसा करना, पर लगता है अब यही करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हम लोगों का ग्लास बंद। अब भाई तुमने मार रहे थे तो ये तुम्हारी सजा। ये रस्सी ली और ऐसे करके, और ऐसे गाइस मैंने कैद कर लिया हम लोग का पहला रेयर मॉब। वैसे अब तो मैंने सीधा अपने मुंह से ही बोल दिया, मैं इनको सीधे कैद कर रहा हूँ। अब जो अगला मॉब है मैं उसके लिए पहले से किच बना के रख ले रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इसका पिंजरा हम लोग थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे। तो ये भाई होगी हम लोग की ईंट की वॉल एक्सटेंड। और ये भाई थोड़ा गंदा वाला मॉब है जो टेंशन देता है लोगों को, इसलिए मैं ग्लास की जगह इसके केज के अंदर मैं सलाखें डाल रहा हूँ। अब हम लोग इसकी पूरी फ्लोर को रिप्लेस कर देते हैं, और दीवार के अंदर एक दो बड़े छेद बनाने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा मॉस भर दे रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ स्टेयर भी लगा देते हैं ऐसा दिखाने के लिए कि ईंटें गिर के टूट गई यहाँ से। जमीन के ऊपर थोड़ा सा और मॉस डाल लेते हैं ऐसी डिटेल डालने के लिए, और बीच बीच आ जाएगा हम लोगों का लावा, और इधर उधर ऐसी वैसी छोटी मोटी डेकोरेशन डाल लेते हैं हम लोग। और ये हो गया हम लोगों का केज कंप्लीट। यार वैसे सच बताऊं तो लग तो बढ़िया रहा है यहाँ पे है। ये देखो भाई, मतलब पानी 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 भाई, ये रहा। क्या कर रहा हूँ मैं, अपने घर में मर जाता भाई साहब। अब हम लोग अपने मॉब को एक्चुअली यहाँ पर लेके आ जाते हैं, और उसका नाम है एक पीसफुल पिलेजर। ओके भाई, मैं अड्डे पे आ चुका हूँ यहाँ पे। ओके, नो हेजिटेशन। मिस कर दिया, नहीं, डॉज डॉज, ये। अरे यार। ओके भाई, अब मुझे लग रहा है निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके भाई, मेरी हेल्थ अब बहुत ही लो हो रही है यार, वो तो पीछे कर रहे हैं। गुड बाय गाइस, ये अब हूं ना मैं सेफ। चलो थोड़ा सा खाना ही खा लेते हैं अंडर वाटर। अरे नहीं, वो आ गए। ओके, अब मैं अपनी हेल्थ को थोड़ा रिजनरेट होने का वेट कर रहा हूँ। अरे ये कौन है भाई? भाई साहब, यार कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। चलो इसी बहाने मेरी हेल्थ रिजनरेट हो गई। ओके भाई, अब मैंने प्लेजर कम कर दिए, काम पे आते हैं। ये निकल गया मेरा फावड़ा, अब बस एक को मुझे कैप्चर करके रखना है। ये गड्ढे में डालो। यस, अरे मैं भी गड्ढे में गया, सॉरी भाई। ओके, एक्सटेंड करो, नीचे करो, चलो हटो। ये भाई मैंने पकड़ लिया एक प्लेजर। ओके, अब इसको एक पीसफुल प्लेजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे कम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अरे यार। ओके गाइस, दिमाग का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। अब जैसे ही ये बंदर आएगा वैसे ही पटाख, वो आ रहा है। ओके, अब इसको एक पीसफुल प्लेजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसके क्रॉसबो को तोड़वाना है, ताकि इस पे कोई हथियार ना बचे और इसके हाथ सीधे धरे के धरे रह जाए। अब भाई यहाँ पे एक सिंपली स्लैब डालना है, और ये हाँ पागल बन रहा है वो, नाइस। अब वो इस स्लैब के ऊपर शूट करता जाएगा, और बेचारे अपने क्रॉसबो को ऐसी तोड़ जाएगा फालतूपने के अंदर। अब मुझे यहाँ पे बस थोड़ी देर तक इंतजार करना है, आई थिंक 2 मिनट के अंदर इसका टूट जाएगा, मेरा तो 2 मिनट में ही टूटता है। और फिर 2 मिनट बोल के मैं सीधे यहाँ पे 20 मिनट तक खड़ा रहा। टूट गया क्या? भाई साहब, इसको जल्दी से फोड़ के, मुझे लग रहा था इसने एक टाइम पे इतने सारे एरो निकाले। ये देखो बेचारा, मैं बोल रहा था ना कैसे पोज में खड़ा हुआ है वो भाई साहब, जल में देख रहा हूँ इसके मतलब। अरे एक सेकंड, मुझे पता है हम लोग को इसका नाम क्या रखना चाहिए। And his name is John C. चलो भाई, अब हम लोग अपने जॉन सीना पसीना हसीना, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से, इसको भाई लेके चलते हैं। एनीवेज, आई थिंक हम लोग को घर तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। ये काम है, एक सेकंड भाई, मैं तो गलत डायरेक्शन में आ गया, उल्टी साइड, सब तुम्हारी गलती है। ओके गाइस, ये फाइनली आ गया इतनी देर बाद, बहुत परेशान। कम ऑन, फिर से रियली, मैं भूल रहा था बहुत परेशान किया इसने, मैं तो भाई देख लूंगा इसे मैं। ये देखो, आहा, फिर से। चलो पानी देता हूँ थोड़ा सा। अरे अब वीडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया लावा, इसको तो मैं। ओके गाइस, मैंने सीना पसीना को कैप्चर कर लिया, और ये हो गया हम लोगों का सेकंड मॉब कैप्चर। मजा आ रहा है अंदर, क्या बताऊं भाई। ओके नेक्स्ट मॉब, अब देखो ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम सब लोग जानते होगे, मतलब ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन जिस मॉब को मैं कलेक्ट करने वाला हूँ उसके अंदर एक ट्विस्ट है। लेकिन उसको पकड़ने से पहले मुझे 2 मटेरियल्स की जरूरत होगी। सबसे पहले तो है हम लोगों की बर्फ, और अगली चीज यहीं कहीं मिलती है, वो रही, मुझे बहुत सारे कद्दू चाहिए। अब देखो हम लोगों के अगले मॉब का नाम है, अरे वो कितनी अच्छी लग रही है, कि खतरनाक सी लग रही है ऐसी, अंदर जाके देखते हैं इसके। ये हम लोगों के अगले मॉब का नाम है एक नेचुरली स्पॉनिंग स्नो गोलम। इसका मतलब है एक स्नो गोलम जिसको मैंने नहीं बनाया हो और वर्ल्ड के अंदर नेचुरली स्पॉन हो गया हो। अब देखो इसको नॉर्मली लाना तो बड़ा हार्ड है, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग इसको पा सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा एंड में। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे नेचुरली एंडरमैन स्पॉन होते हैं। और वैसे अगर तुम लोगों को नहीं पता है, जब मैंने गेम के सारे रेयरेस्ट ब्लॉक्स को कलेक्ट किया था, तब मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया था स्नोई ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए। हम लोग इसी का इस्तेमाल करके अपने स्नो गोलम को भी स्पॉन करवा लेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके लिए सीढ़ियां बना
बना लेते हैं ताकि मैं उसे नॉर्मल दुनिया में ले जा पाऊँ। अब हम लोग अपने नेचुरली स्पॉन्ड स्नो गोलम फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। और यार ऐसे नहीं कर सकता मैं काम, ये अब सही है, अब मैं कहीं भी देख सकता हूँ, ये लोग मुझे पकड़ेंगे नहीं, थर्ड पर्सन में ही कर लेंगे हम लोग अपना सारा काम। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने सारे ग्रास ब्लॉक्स को हटाने वाला हूँ जो मैं पहले लाया था। फिर मैं यहाँ पे ऐसे दो दो स्नो के ब्लॉक्स लगा दूंगा ताकि स्नो गोलम को बनाने के लिए तीन में से दो ब्लॉक्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। हम लोगों को इस पैटर्न को पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर रिपीट करना है और आखिर में मुझे अपने पंपकिंस लगा देने हैं। अब बस एक एंडरमैन को एक पंपकिन को पकड़ना है और अपने दो स्नो ब्लॉक्स के ऊपर रख देना है और फिर बन जाएगा हम लोगों का नेचुरली स्पॉन्ड स्नो गोलम। चलो एटलीस्ट अपने काम को कंटिन्यू करके रखते हैं। और ये देखो कौन आया है। अब भाई चलो इसको लेके चलते हैं। क्या कर रहा है ये, एंडरमैन को मार रहा है तो सीधे, इतना दम तो मेरे में भी नहीं है, खतरनाक है यार ये भाई। अरे ये फिर से निकल पड़ा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे ये भाई। लोग मैंने कुछ नहीं किया इसको। ओके अब इसको इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा के ले चलते हैं। एंड ये किसके पैर है? हेलो, उसने मेरा मुंह पकड़ लिया है। नहीं चलो चला गया, मुझे लग रहा था अभी यहीं पे चटका देगा ये मुझे। ओके गाइस अब मुझे छींक आ रही है। तुम्हें क्या लग रहा था मैं मर गया? इतने जल्दी थोड़ा खत्म होने वाला है मिस्टर फ्लफ। अरे ये फिर से नीचे आ गया, लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा मिस्टर फ्लफ। ओके मैं फाइनली इसको मेन एंड आइलैंड के ऊपर ले आया हूँ, कुल्फी का पकौड़ा आने तो। चलो वैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे इतने सारे एंडरमैन नहीं है ना, मौज करते हैं अब सीधे। और अरे ये भी पहने हुए, आहा अब सही है ना, सांस मिल लिया भाई सही से। चलो भाई अन्ना का समय आ गया, बहुत खेल कूद मचा ली। अरे बाप रे भाई साहब अभी तक मार रहे वो एंडरमैन। ओके भाई ये ऐसे चढ़ेगा क्या? मैंने इसके लिए ब्लॉक भी प्लेस कर दिया। हाँ परफेक्ट, और बेचारे को डर लग रहा है वहाँ पे कूदने से। चलो हटो। ओके अब वो जो स्नो गोलम है वो मेरे वर्ल्ड स्पॉन के ऊपर पैदा हुआ होगा क्योंकि मॉब्स अपने स्पॉन पॉइंट को सेट नहीं कर सकते ना, मतलब बिस्तर के पास मेरे। और मेरा स्पॉन पॉइंट एक्चुअली यहाँ से काफी पास है, उस पहाड़ी पे है लिटरली। बस थोड़ी सी स्नो पड़ी मिल जाए, ये हुई ना बात। ओके तो वो यहाँ से गया घास के बीच में से, सब समझ में आ रहा है वैसे मुझे। भागना चाह रहा है सीधे और छुपाने की कोशिश कर रहा है अपने निशानों को। बेचारा पकड़ा गया, देखो मुंह उधर कर रहा है ये। इतनी मेहनत से लाया हूं मैं इसको, अब इसकी हंसी नहीं रुक रही है भाई साहब। अब मुझे इसे इस पहाड़ी से लेके अपनी बेस वाले पहाड़ी तक ले जाना है। ऐसा करने के लिए मुझे इसको पूरी खाई के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। ये देखो सस्ती कॉपी सफेद होके म्यूजियम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है वो। वैसे मैंने रियलाइज किया जो निशान है ये बड़े टेढ़े लग रहे हैं मेरी जमीन के ऊपर, मुझे सब क्लियर करना पड़ेगा वरना बेकार लगेगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल मजा नहीं आने वाला ये करने में। नाइस फाइनली घर में आ गया। अब किसको गोला मार रही? तुमसे उड़ा दूंगा। और बाप रे क्रीपर स्पॉन हो गया था। अरे नहीं यार, चलो भाई चलो चलो, सही आदमी नहीं है ये। अरे बेचारा अभी तक मारने की कोशिश कर रहा है वो, देखो ये भाई साहब टॉर्च लगाना भूल गया। चलो मैं वो भी कर दूंगा वरना हर बार जब भी मैं दूर जाऊंगा तब फिर से भाई तुमसे उड़ा दूंगा। वैसे एक सेकंड, मैंने इसका घर तो अभी तक बनाया ही नहीं है। अरे तुम भाई इधर थोड़ी देर वेट कर लो और हम लोग जल्दी से इसके लिए घर बना देते हैं। और अब बस इसको यहाँ पे डाल लेना है। बढ़िया, अरे फिर से आ गई क्या? अच्छा पुश्ती भाई साहब। एनीवेज ये हो गया हम लोग का नेचुरल स्नो गोलम। और यार काफी अच्छा बनाया मैंने इसका घर, मतलब ऐसा लग रहा है पूरी ठंडी रात हो रखी है यहाँ पे, ये पूरे मौज कर रहा है स्नो मैन। भाई मजा आ रहा है यहाँ पे। इसके अंदर तो मैंने लिटरली एक घर भी बना दिया, मतलब कुछ माइनक्राफ्ट प्लेयर्स इसके अंदर रहते हैं। इसके पास ये छोटा सा पता नहीं गिफ्ट है क्रिसमस का। यहाँ पे नीचे पूरी स्नो पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत बेरीज है। घर के अंदर बताओ बत्ती तक जल रही है और ऊपर से धुआं आ रहा है, मतलब कुछ पक रहा है। मुझे कुछ नहीं खिला रहा स्नो मैन। यहाँ पे मैंने डिटेल के लिए पीछे चांद भी डाला और ये देखो एक छोटा पेड़ भी, और ऐसे तारे दिखाने के लिए मैंने पूरा स्कल लगा दिया। तो ये भाई काफी खतरनाक बन चुका है। वैसे हम लोग अगले मॉब का घर पहले से ही बना के रख लेते हैं और वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना भाई ये बहुत परेशान करने वाला है मुझे। ओके गाइस अब मुझे टैक्टिक्स आ चुकी हैं, मुझे लिटरली क्या करना है, टावर के ऊपर से डन। यस आ गए। ओके तो मेरा अगला मॉब है एली, और अगर मैं इसके नीचे रहूं मुझे कोई नहीं मार सकता। चलो भाई ये मैंने इनके हाथों में अंडे पकड़ा दिए तो अब ये भी कहीं नहीं भागेंगे। अब मुझे किसी तरीके से इनको बाहर लेके जाना है। अरे भाई वहाँ पे तुम्हारा नाम मोटू, तुम्हारा नाम पतलू। वैसे इनको लाना तो बड़ा इजी था, ये लिटरली उड़ सकते हैं, अभी मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे इनको इनके छोटे से केज में रखना है। अरे यार ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उड़ना सबसे बड़ी टेंशन है। अरे मेरे पास एक आईडिया है, वो देख रहे हो अंडा? हाँ ये देखो, अब बस चुपके से यहाँ पे ग्लास फोड़ दें। ओके गाइस मौज करो अंडर। हाँ अंडा भी पकड़ा दिया उसने मुझे। नहीं सब वो जिंदगी भर अंडे पकड़े वहाँ पे घूमते रहेंगे और मौज करते रहेंगे। अब वैसे मैं देख रहा हूँ मैंने काफी टाइम से इस लैब को कम्प्लीट नहीं किया, चलो इसको इम्प्रूव कर लेते हैं अभी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं एक्चुअल अब एक लैब लग रही है, ऐसा सीधे ढांचू नहीं लग रहा मतलब। ओके अब जब हम लोगों की लेबोरेटरी इम्प्रूव हो चुकी है, हम लोग अपना अगला मॉब पकड़ते हैं जो कि है एक स्निफर। अब देखो इसको पकड़ने के लिए तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक ब्रश। वैसे मेरे पास एक ब्रश ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने पहले भी इसको क्राफ्ट किया था, लेकिन बात यह है कि मैंने उसे यहीं पे रैंडमली कहीं पटक दिया और ना भाई मैं नहीं ढूंढने वाला उसे। उसके बाद अब मैं आ चुका हूँ अपने वार मोशन पे और इसके अंदर मैं आ चुका हूँ एक रूइन में। अब देखो पहले ट्राई के अंदर स्निफर एग मिल पाता है क्या? और
सीट मिल गया सीधे, यहाँ पे कैसे आया वो। एनीवेज भाई दूसरा चेक करते हैं, ये क्या है फावड़ा, व्हाट कौन गेटी कर रहा था भाई यहाँ पे ये। अरे चेस्ट है, इसके अंदर हो सकता है क्या, लेट्स सी। नाइस, चलो बेकार के हम लोग यहाँ से चलते हैं। वैसे एक्चुअली ले लेता हूँ, कब पता आंटे के दाम बढ़ जाए। प्लीज दे दो फालतू, ओके ये क्या चीज है यहाँ पे। अरे एक सेकंड भाई, वैसे मुझे इतनी जल्दी मिल गई, कितना रेयर है ये, तो कॉमन लग रहा है यार। 6.7% चांस है, बड़ा लक्की हो रहा हूँ यार यहाँ पे तो मैं। अब मैंने सुना है हम लोगों को इंतजार करना होता है इससे अपना स्निफर निकलने के लिए, लेकिन भाई मैं इंतजार करने वाला बंदा नहीं हूँ, सीधे स्निफर को निकालने वाला हूँ मैं। लगता है ऐसे नहीं फूटेगा ये, आई थिंक ये वर्क कर जाएगा। ओके मुझे नहीं लग रहा है फूट रहा है, चलो इसको पकड़ ले जाए हम लोग, यहीं कहीं डाल दूंगा मैं रैंडमली इसको, और जब तक ये हैच हो रहा है हम लोग तब तक इसका पूरा बायोम बना सकते हैं। तो इसकी दीवारों में मैं आई थिंक ऐसा आसमान सा बनाना चाह रहा हूँ, नीला वूल इसके लिए परफेक्ट है, हाँ काफी अच्छा लग रहा है। अब फ्लोर के नीचे में, अच्छा तो यहाँ से आवाजें आ रही थी वो टेढ़ी मेढ़ी सी, यार टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी मुझे तो यहाँ पे। ओके तो ऊपर से काम कर लेते हैं, वो नीचे काफी डेंजरस हो रहा है, नीचे मैं अपनी नॉर्मली ग्रास लगा देने वाला हूँ। और हम लोग इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, बीच में एक रिवर बना सकते हैं। आइयो ये ना बात, एक सेकंड, अरे हाँ टूटना शुरू हो गया, लगता है मेरी ट्रिक वर्क कर रही थी। चलो भाई थोड़ा और फोड़ते हैं, और हाँ हम लोग एक काम करते हैं इसके लिए बीहाइव भी कलेक्ट कर लेते हैं, वो काफी अच्छी लगेगी इसके पूरे एरिया के अंदर। चलो अब फाइनली थोड़ी बहुत चेरी ब्लॉसम की लॉग्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी पत्तियां भी बुरी नहीं रहेंगी। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक चेरी ब्लॉसम बायोम बना दे, क्योंकि इसी अपडेट में आया था और स्निफर ऐसे वैसे मिलता तो है नहीं कहीं, तो आई थिंक ये काफी नेचुरल है उसके लिए। चलो अब इन पेड़ों के नीचे हम लोग थोड़ी बहुत पेटल्स भी लगा देते हैं, और ये काफी अच्छा लग रहा है। अरे हाँ मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रोंग लाइट लगा के ये बन गया ना, ऐसा लग रहा है पूरा सूरज ढल रहा है, अच्छा खासा एनवायरमेंट बन चुका है। यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल डिटेल के लिए देते हैं, और उसके लिए एक छोटा सा ब्रिज, तो यहाँ पे थोड़ा खाली लग रहा है, लैंप टॉप परफेक्ट रहेगा। और चीज है नहीं भाई नहीं, कैसी गंदी गंदी आवाजें निकाल रहे, ना भाई ना, मैं कोई नहीं हूँ ये स्निफ करके आते पानी में कुछ जनों में, नहीं नहीं। हाँ चलो जा रहा है वो भाई साहब, कितनी डरावनी चीज है, वो क्या कर रही है, छह पैर है उसके, क्या ये। अरे ये तो मुझे अटैक ही नहीं कर रहा, नाइस। चलो भाई तुम अपने पिंजरे में आ जाओ, और तोड़ कैसे रहा है ये, परफेक्ट पट या नाइस। ये भाई हो गया इसका नामकरण, और ये लग गया ग्लास, और ऐसे करके मैंने आराम से कलेक्ट कर लिया अपना स्निफर। एक्चुअली स्काई का कलर कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे, इसको सही करूं मैं। और वैसे एक सेकंड मैं तो एक चीज भूल ही गया था, मैं बोल रहा था ना इसके पास हम लोग एक हाइव लगा देंगे, हाँ अब सही है ना ये, मैं भूल ही जा रहा हूँ यार चीजों के बारे में। ओके नेक्स्ट मॉब का एरिया मैं पहले से ही बना के रख दे रहा हूँ, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला भाई थोड़ा सा डरावना है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब मैंने यहाँ पे केव बनाई है, एक्चुअली इसको डिटेल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक दो और भी लगा देते हैं। अब हम लोग सीधे रात का इंतजार करते हैं। अब देखो हम लोगों का जो अगला मॉब है वो है एक लेफ्ट हैंडेड स्केलेटन, जिसके स्पॉन होने की 11% चांस तो होती है, लेकिन जो मैं लेफ्ट हैंडेड स्केलेटन को पकड़ने वाला हूँ वो पहनी होगी पूरी डायमंड आर्मर, जिससे कि उसके स्पॉन होने की चांस 11% से सीधे 0.1% पे आ जाती है। 12 seconds later. कितने क्रीपर हैं भाई यहाँ पे, बस यही स्पॉन हुए सीधे, कम ऑन वो रही लेफ्ट हैंडेड। वो देखो उसने उस ज़ॉम्बी को शूट कर दिया, वो मारने जा रहा है। अरे एक सेकंड, अरे भाई उसको नहीं मारना, ये तो मुझे कलेक्ट करनी है। क्या कर रहा है वो भाई साहब, हाँ भाई अब मेरे साथ चलो। अरे यार क्रीपर है भाई, तुम मुझे नहीं देख सकते हैं, देखा क्या देखा क्या देखा क्या देखा क्या देखा क्या। ओके भाई बस बस ज्यादा हो रहा है, खेल कूद के चक्कर में मारा जाऊंगा इस मॉडल में। ओके बस ये आ गई यहाँ पे, अभी मेरा सीधे फॉलो कर रही है, मुझे ना ही लीड चाहिए ना ही एक बोट चाहिए, आराम से आ जाएगी। हेलो आ रही है कि नहीं, हाँ ओके पता नहीं क्या हुआ था वो रुक गई थी। ये भाई आई है भाई, आ रहा है मजा। अब कौन है केव के अंदर, गाइस क्या किया उसने मेरे साथ, चुन चुन के बदला लूंगा मैं। है भाई तैयार हो, चलो अब इस केज के थ्रू बस मुझे। अरे यार ये तो चीटिंग है। ओके अब वैसे मैंने बहुत हरकत दी थी, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ताकि ये डिस्पॉन ना हो। ये रहा भाई हड्डी, अरे यार ये कितना मारेगा मुझे, देखो भाई ज्यादा हरकतें मत दो, एक सेकंड में फटाक से हड्डी से सीधे चट। ओके अब जैसे मैं बोल रहा था इसको डायमंड आर्मर पहनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे मैं यहाँ से एक डिस्पेंसर उठाता हूँ और उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट रख दें और इस डिस्पेंसर के अंदर मैं रख देता हूँ अपना एक डायमंड हेलमेट, नाइस यार ऐसे पहन लिया इसने। अब मुझे ऐसे करके सारी आर्मर इसको पहना देनी है, ये हो गया उसके पजामे टी शर्ट, और ये रहे फाइनली उसके जूते, और ये हो गई हम लोग की स्केलेटन विद फुल डायमंड आर्मर। भाई साहब ये तो चंगा हो गया पूरा। चलो जल्दी से इसके डिस्पेंसर को हटा लेते हैं एंड खत्म। ये यार अभी तक का हार्डेस्ट था, सच बता रहा हूँ मैं, देख रहे हो मेरी हालत। चलो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, अपनी लैब के दूसरे मॉब को कैद कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मुझे एक स्वैम्प में जाना है और उसके पास में एक विलेज होना चाहिए। अरे नाइस यार ये तो काफी पास था, ये खतरनाक लक हो रहा है यार यहाँ पे मेरा। ओके उसके बाद मुझे एक विलेजर को, अरे इस बच्चे को हटाओ एक सेकंड, मुझे दो विलेजर्स को कैप्चर करना है। और भाई कर क्या रहा है, हाँ नहीं तो इतनी
जॉन स्नो के बाद आया। गंदी बात भाई। ओके अब दूसरे विलेजर को कैप्चर कर लेने। अरे भाई ये क्या फालतू का काम कर रहे हो भाई, ये देख रहा हूँ यहाँ पे होता असली कारोबार। कैप्चर हो गया इतने जल्दी। ओके अब मैं इन विलेजर्स को स्वाम्प के बीचों बीच ले आऊं और यहाँ पे मैंने दो बेड्स प्लेस कर दिए और थोड़ा बहुत मक्खन मलाई भी दे दिया है इन लोगों को। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक स्वाम्प विलेजर मिल जाए मुझे, जो नेचुरल स्पॉन तो होता ही नहीं है, तो मैं इनकी ब्रीडिंग करवा के ही इसको पकड़ पाऊंगा। और भाई आई थिंक वो हो गया अपना स्वाम्प विलेजर। चलो भाई देखते हैं क्या कर रहा है। अरे एक सेकंड, गेम के अंदर बेड्स बाउंसी होते हैं। एक चीज देखनी है गाइस, बस एक सेकंड मुझे, अगर मैं ऐसा करूँ फिर। ओके बच्चा आ गया नैया में, और तुम लोग भाई सीधे निकल लो क्योंकि अब तुम लोगों का काम हो गया। और हाँ ये बेड मैंने है, ये मौज करो भाई। अब मैं इसको जल्दी से बेस में लेके चलता हूँ। नाइस आ गया मैं इसको लेके। अब भाई प्लीज मैं ट्रेन से ना उठूं। अरे यार ओके गाइस मैं अभी पूरे 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, ये बच्चा जा ही नहीं रहा केज के अंदर। ओ मुर्गा निकल गया। चलो वैसे इसको अपना नाम भी दे देते हैं। और भाई अगर तुम लोगों को लग रहा है ये लोकी नहीं ये लौकी है ये, क्योंकि ये लौकी की तरह ही दिखता है। ओके भाई बच्चे यस फाइनली आ गया, ये 20 मिनट की मेहनत है ये लिटरली। और इस मुर्गे को बड़े मजे आ रहे हैं यहाँ पे, ये लो भाई पूरे मजे लो अपने। ओके अब अच्छा लग रहा है, हम लोगों की लेबोरेटरी काफी कंप्लीट होती जा रही है, अब बस आखिरी मॉब बचा है यहाँ का। लेकिन उसको पकड़ने से पहले हम लोग अपना अगला मॉब पकड़ लेते हैं। और तुम लोग अब तक समझ ही गए होगे कि मेरा अगला मॉब क्या होने वाला है, लेकिन भाई वो एक नॉर्मल मशरूम नहीं होने वाला है, वो होने वाला है एक ब्राउन मशरूम। तो सबसे पहले हम लोगों को एक मशरूम आइलैंड ढूंढना है। और एक सेकंड ये इतना पास है भाई, अरे बाप रे कितना बड़ा है ये, तो मेरी पहाड़ी से भी लंबा है भाई साहब, कितना बड़ा है ये आइलैंड। अरे बाप रे मैंने अभी मैक्सिमम चंक लिमिट कर दिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे पूरा लोड नहीं हो पा रहा, बाप रे। वैसे तुम लोग अभी देख रहे होगे यहाँ पे सारे जो मशरूम है वो सब रेड हैं, जो मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, ये तो मुझे ऑलरेडी इतनी आसानी से मिल गए। मुझे सबसे पहले वेट करना होगा एक थंडर स्टॉर्म का, और आई थिंक ये मशरूम परफेक्ट जगह है उसके लिए इंतजार करने की। 6.5 hours later फाइनली बारिश होगी, मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ इसका। अब देखो यहाँ पे बारिश में तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ है ब्राउन मशरूम में, ऐसे होते हैं ये कन्वर्ट, पता नहीं क्या इनको बिजली लगाने से ये भून से जाते हैं और ये ब्राउन हो जाते हैं। वो देखो लिटरली बेचारा घूम रहा है। आई थिंक ये दो ही हम लोगों के लिए इनफ है, ये बच्चे और इसकी मम्मी को लेके चलते हैं हम लोग। और ये दोनों आ गई, नाइस। वैसे इनका पिंजर थोड़ा सा छोटा है, होपफुली ये दोनों फिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो छोटे मोटे मॉब हैं, हाँ आई थिंक कर गए। चलो आई थिंक मुझे इनकी भी रस्सी फोड़नी पड़ेगी। अरे हाँ एक सेकंड, मैंने तो इनका नाम ही नहीं रखा। तो भाई ये है अपनी, मुड़ के देखो एक सेकंड, हाँ शीला, और ये रही शीला की जवानी क्योंकि वो जवान। और वैसे क्या तुम लोगों ने रियलाइज करा, हम लोगों ने ऑलरेडी अपना आधा म्यूजियम बना लिया, मतलब शुरू के अंदर यहाँ पे ये था और अब यहाँ पे इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो चुकी है। चलो वैसे टाइम तो आ चुका है हम लोग के अगले मॉब को पकड़ने का, जो की होने वाली है एक पिंक शीप। अब तुम लोग सोचोगे मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरे पास ऑलरेडी एक पिंक शीप है, उसको मैं लेके यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेकिन यार तुम लोग खुद देखो अभी इतना बढ़िया सा यहाँ पे परिवार बन रखा है सिवाय लाइब्रेरियन के, मतलब इनको अलग करूंगा यार, आंसू आना शुरू हो गए मेरे तो ऑलरेडी, तो मैं ये नहीं करने वाला। हम लोग एक और पिंक शीप को कलेक्ट कर लेते हैं, अगर मैं ऐसा कर लूंगा मेरे पास अनलिमिटेड नेचुरली स्पॉन्ड पिंक शीप हो जाएंगी। तो भाई मैं सफर पे निकल ले रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि ये हिंदी वाला सफर नहीं अंग्रेजी वाला सफर होने वाला है। ओह गाइस यार मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, मैं भाई अभी एक सेकंड के लिए पिंक शीप को छोड़ो, मैं यहाँ पे एक जंगल पे आ चुका हूँ। हम लोग यहाँ पे दूसरे मॉब को पकड़ सकते हैं, जो कि है एक ब्राउन पैंडा, और उसके स्पॉन होने की 2% चांस है, जो कि तुम लोगों को लग रहा होगा काफी हाई है, लेकिन बात यह है कि एक नॉर्मल पांडा के स्पॉन होने की भी चांस बहुत ही कम होती है, तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है। और भाई प्लीज कहाँ है वो रहा, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, पूरा चिल कर रहा है यार ये तो, नाइस। ओके भाई उठोगे नहीं अब तुम, भाई ऐसे उठोगे क्या। ओके आई थिंक ये वर्क कर गया। अब देखो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक मिला है, जो कि अजीब बात है एक्चुअली, मतलब काफी सारे ग्रुप में स्पॉन होते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बहुत खाना देते हैं। ओके अब ये मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, मेरे सामने ही खाना खा रहा है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसको जल्दी से यहाँ पे ट्रैप करके रख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक लंबा सा टावर खड़ा करके रख ले रहा हूँ ताकि मैं इसकी लोकेशन को ना भूलूं। वैसे काफी अजीब सा लग रहा है ना यहाँ पे ऐसा डंडा सा निकला हुआ है। और दूसरे पांडा की खोज के अंदर निकल लेते हैं हम लोग। हाँ ये है पांडा, क्या कर रहा है वो एक्चुअली, ग्रेवल को लेके भाग रहा है। हेलो भाई मौज में, अरे ये तो छुड़ गया एक सेकंड भाई पानी के अंदर। बेचारा आया, आओगे नहीं भाई अंदर, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मारा भाई मुझे, हाँ नहीं तो वैसे किन हरकतों में पढ़ रहा हूँ मैं, एक पांडा को ढूंढो जल्दी से। ओके भाई ये डराओ, ये वाला पता नहीं क्यों थोड़ा सा सैड है, इसका चेहरा ऐसा हो रखा है। और एक सेकंड ये तो फिर से ऐसे कर रहा है, भाई मत कूद। ओके आई थिंक 2 पैंडा के साथ यहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले रहा हूँ इस एरिया को। और भाई मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ब्राउन पैंडा के लिए ब्रीडिंग करने वाला हूँ ताकि मैं एक्चुअली इसको कलेक्ट कर लूँ। और बाप रे कितने मोटे हो रखे हैं ये रहा भाई बच्चा। चलो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेन पिला देते हैं। अरे एड में झूठ नहीं बोलते थे ये लोग। चलो एक्चुअली और ब्रीडिंग करवाने के लिए, जब तक वो लोगों का टाइमर रीसेट हो रहा है ब्रीडिंग वाला, मैं और ज्यादा बेम्बू को कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इनका थोड़ी देर तक पालन पोषण करता हूँ, ये सब मजे से खा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर तक यहीं पे रुक के रहूंगा और इनकी ब्रीडिंग करवाता रहूंगा जब तक मुझे ब्राउन पैंडा नहीं मिलता है।
काइल बहुत देर हो गई है भाई साहब, प्लीज चलो भाई प्लीज ब्राउन पैंडा दे दो, प्लीज दे दो। बच्चा कहाँ गया? आ फाइनली ये रहा। अरे एक और बच्चा हुआ है, ये वाला भाई थोड़ा बीमार हो रखा है भाई, जुकाम मत लगा देना उसे, पता चला ये वाला फिर से लॉकडाउन शुरू करवा दे। अरे बाप रे भाई कर रहा है वो, काम लगा रहे, हटो तुम यहाँ पे। हाँ भाई रोली पोली करके निकल लिया वो। चलो इनको मैं एक्चुअली यहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि गंदा नहीं रहेगा, ये लोग यहाँ पे पड़े रहेंगे, थोड़ी दुखद बात हो जाएगी। एनीवेज ये आ गया हम लोगों का ब्राउन पैंडा, और भाई तुम टाटा बाय बाय बोल लो अपनी फैमिली को, क्योंकि अब ये लोग जंगलों में रहेंगे। वैसे ये भी जंगल में ही रहेगा लेकिन छोटे वाले जंगल में। और ये आया भाई, अरे एक सेकंड, मैंने तो पिंक शीप का केज बनाया था, इसका तो बना ले। ओके भाई आ जाओ अंदर। ये लालस से क्या आराम से आ गया, चलो एक्चुअली लालस नहीं था, बोलो खा लो भाई वहाँ पे मजे से। एनीवेज ये मैंने इजीली कर लिया अपना ब्राउन पैंडा कलेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अपनी लैब को फाइनली कंप्लीट करते हैं और अपने थर्ड कंटेस्टेंट को ले आते हैं। दम 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 दम। एक सेकंड, नहीं ये नहीं करना था, क्या वो सच में? पिंक शीप फाइनली। और गुफा भाई मर सकती, नहीं 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 भाई साहब फाइनली मिल गई, मतलब मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, 2 घंटे लगा दिए मैंने ऑलरेडी, और मुझे अपने बेस के पास मिलती है। स्पाइडरमैन है इसका नाम, क्योंकि ओके अब मुझे चेक करना है, अगर मैं इनकी ब्रीडिंग करवाऊँ तो क्या नेचुरली स्पॉनिंग मुझे पिंक शीप मिलती है? अरे हाँ ये हो गई ना, ऐसा मुझे इनकी कमी कभी नहीं होने वाली। अब वैसे यहाँ पे काफी पिंक पिंक हो रहा है। ये हो गया हम लोगों का एक और मॉब कलेक्ट साथ में, जो कि है हम लोगों की रेनबो पिंक शीप। अब वैसे मैं एक्चुअली क्या करता हूं? इसको यहां पे बीच में डाल लेते हैं, मैं इसके लिए एक केज नहीं बनाने वाला हूं। इसके लिए मैं एक स्पेशल चीज करने वाला हूं जो तुम लोगों को अभी दिख जाएगी, लेकिन वो करने से पहले हम लोग जल्दी से इस पिंक शीप को अपने केज के अंदर डाल लेते हैं। कितने टाइम से खाली पड़ा हुआ है, जाले लगना शुरू हो रहे हैं मुझे तो लग रहा है यहाँ पे। एक सेकंड वो कहां गई? अरे भाई एक सेकंड के लिए मैं वीट अपने हाथ से रखता हूँ, ये वापस नीचे कूद पड़ी, समझ रहे हो तुम लोग ये सब। ओके भाई ये आ गई फाइनली। बताओ भाई 1 घंटे से 2 निशान है, पिंक शीप और रेनबो शीप एक ही बार में मिल गई मुझे, नाइस यार। अब चलो जैसे कि मैं बोल रहा था, हम लोग अपने लैब के तीसरे कंटेस्टेंट को ले आते हैं यार, उसके बारे में तो भूल ही जा रहा हूँ मैं। चलो भाई हम लोग अपने सफर और हम लोगों का जो तीसरा कंटेस्टेंट है वो है एक जंगल विलेजर, और वो स्वॉर्म विलेजर की तरह नेचुरली स्पॉन नहीं होता है, तो उसको लेने के लिए मैं आ चुका हूँ एक मतलब जंगल में, क्या बात कर रहे हो भाई। अब चलो इसके पास से विलेज से हम लोग 2 विलेजर्स को पकड़ लेते हैं पहले की तरह, और इनकी ब्रीडिंग करवा के मुझे फाइनली मिल गया अपना तीसरा विलेजर। ये रहा भाई, इसका टेक्सचर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे पता नहीं क्या रद्दी से कपड़े पहना रखे हैं उसके। अब चलो भाई बोट में बैठ जाओ, अरे तुम्हें नहीं बैठना था। अरे एक सेकंड बेबी विलेजर कहाँ गया? और नहीं खो गया क्या? ओ अच्छा बोट के नीचे, क्या कर रहा है ये देख रहे हो? कम ऑन ये वाली बोट पे बैठ जाओगे भाई? नाइस, मतलब ये वाली बोट पे बैठ जाता है ऊपर वाली पे, काम लगा देंगे ये विलेजर्स मेरा। भाई साहब इनका AI इतना खतरनाक कैसे? मैं निकलना ओ बच्चू लेके पेड़ आया, क्यों आया? नो अरे एक सेकंड, इसको तो नाम ही नहीं दिया हम लोगों ने, मोगली। वो क्या है ना गाइस, इसकी चड्डी में फूल खिला। चलो इस पेड़ को यार जल्दी से मैं रिमूव कर देता हूँ, बड़ी टेंशन होती है। और अब चलो हम लोग अपने रात, एक सेकंड मेरे सामने तो पूरा जंगल है। और ये हो गया हम लोगों का तीसरा कंटेस्टेंट, तो ऐसे करके मैंने अपने लैब को भी कंप्लीट कर लिया। और वैसे ये थोड़ी खाली खाली नहीं लग रही, मुझे ये वॉल काफी ज्यादा प्लेन लग रही है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बत्तियां लगा देते हैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है ना, सी लैंटर्न से ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या अजीब सी। ओके मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्या चीज है वो, पर अच्छा लग रहा है ना। और हाँ मैं एक चीज बनाना भूल गया, बस यहाँ पे मैं बोल रहा था ना मैं रेनबो शीप के लिए कुछ अलग सी चीज करूंगा। अब ये हो गई हम लोगों की रेनबो की वॉल, क्या है मैं नहीं चाह रहा उसको मैं केज में डाल दूं, मेरा प्लान ये है कि मैं उसको यहाँ का साहूकार बना दूं। तो ऐसे करके काइंड ऑफ इस पूरी बिल्डिंग की एनर्जी उसके अंदर जाके उसे ऐसा रेनबो सा कर रही है। अरे ये क्या किया मेरे स्निफर ने, नाइस यार ये तो सीट निकाल के दे रहा है अजीब अजीब सी, रख लेता हूँ इसे जेब में। ओके नेक्स्ट मूव है यूनिकॉर्न। अब तुम लोग पूछ रहे हो ये क्या चीज है भाई, वो क्या है माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ गोट्स के एक हॉर्न भी होते हैं और उनको पकड़ना काफी मुश्किल होता है, तो मैं उसे लेने वाला हूँ। और अभी तुम लोग बोल लोगे कि यूनिकॉर्न तो भाई एक घोड़ा होता है, मैं श्योर नहीं हूँ तुम लोगों को ये बात पता है, लेकिन भाई घोड़ों के सींग नहीं होते। तो मैं यहाँ पे एक ठंडे इलाके में आ चुका हूँ, वैसे मेरे पास एक 1 हॉर्न गोट का फार्म तो था लेकिन मैं उसकी लोकेशन भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था मेरा, मैंने कोऑर्डिनेट की पिक्चर ही नहीं खींची। ये रही भाई इतनी देर लगाई। चलो भाई इस छेद में घुस लेते हैं इसको। अरे क्या कर रही है? ओके गाइस तो मुझे अभी तक एक गोट तो मिली नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको काफी ढूंढने की। ओके ये रही एक मार डाली मैंने, वो क्या चीज अजीब सा बनी है भाई साहब ये। हाँ नहीं तो अब चलो भाई इसको जल्दी से केयरफुली कैप्चर करते हैं, नो पंचिंग, इधर आओ भाई। एक सेकंड क्या, मुझे तो लग रहा था गोट सिर्फ वेज खाती है। चलो भाई ठीक है ये आ गई अपने केज के अंदर, और अब हम लोगों को बस इसका इंतजार करना है मुझे ठुकने का। ये क्या करेगी, मेरे पीछे वाले ब्लॉक के अंदर ठुक जाएगी और फिर उसका एक सींग टूट जाएगा।
ओके गाइस, बहुत देर हो गई, अभी बहुत देर हो गई, सच बता रहा हूँ मैं बहुत दूर से ऐसी 5 और पकड़ के लेकर आया हूँ, अब प्लीज भाई मुझे ठोक देना। लेकिन इस सब के बाद भी एक भी गोट ने अपना सर नहीं फोड़ा। यार गाइस बहुत देर लग चुकी है इस वाले मॉब में, ये दूसरा दिन लग चुका है, अब किसी तरीके से मुझे इसका सर फोड़वाना होगा, मुझे एक सीन निकालना होगा। एक सेकंड, मेरा फॉर्म, मुझे तो लग रहा था ये खो गया था। भाई इतनी देर से मैं हरकतें कर रहा था, मैं इस पहाड़ी के नीचे काम कर रहा था अपना। कम ऑन यार, मतलब ये रहा अपना यूनिकॉर्न, वैसे बहुत स्टूपिड लग रहा है वो। चलो भाई इसको लेके चलते हैं। क्यों को कर रहा है अमूल का डूड, ये 10 लाख का बेचूंगा मैं इसे। अब हम लोगों का अगला मॉब एक स्केलेटन हॉर्स, लेकिन एक ऐसा स्केलेटन हॉर्स जिसके ऊपर अभी तक उसको राइड करने वाला बैठा हुआ है, और ये बन गया उसके लिए बढ़िया सा केज। अब बस मुझे स्केलेटन वाले घोड़े को ढूंढना है, वो रहा ये हो गए। अब भाई मुझे इनमें से एक को पकड़ना है बस, बाकी 3 के साथ जो भी मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। अरे क्रीपर, परफेक्ट टाइमिंग आई, नाइस। एक को तो भाई उसी के दोस्तों ने मार दिया। ओके, मैंने एक को पूरे ग्रुप से अलग कर लिया, बाकी सारे भाई और यहाँ पे ही अलग सा बैठा हुआ है। इसको मैंने एक छेद में रख लिया। अब भाई अभी तो काफी डेंजरस है बाहर जाना, पूरी थंडर स्टॉर्म हो रखी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस छेद के अंदर बैठ जाता हूँ और हम लोग थंडर स्टॉर्म के खत्म होने का वेट करते हैं। और बाप रे, ये तो स्केलेटन से भी खतरनाक है, कितना तेज शूट करेगा वो एक्चुअली। भाई साहब ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको डालूंगा सबसे खतरनाक वाली कैटरी के अंदर, उसका घोड़ा ही उसकी जान ले रहा है, क्या कर रहे हैं यार ये लोग, उसको मुझे फिक्स करना होगा। चलो मैं वो तो कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 रूम्स को ज्वाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बड़ी सी माइनशाफ्ट बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ 4 क्रीपर। अब देखो उनको मैं ऐसे ही नहीं ला सकता, मैंने यहाँ पे ऊपर रूफ के अंदर एक छेद कर दिया जिसके थ्रू वो फॉल करेंगे। मेरा प्लान ये है, मैं उनको एक माइनकार्ट के अंदर डालूंगा और वो सीधे माइनकार्ट के थ्रू नीचे आके गिर जाएंगे मेरे केज के अंदर, क्योंकि अगर मैं इनको नेचुरली लाने की कोशिश करूंगा ना भाई, सोच भी नहीं सकता मैं उसके बारे में। वो भाई हुआ है ये, इसका नाम भाई टिंकी, और ये रहा हम लोगों का पिंकी। कितने सड़े नाम दिए वैसे मैंने। एनीवेज वो दोनों तो केज के अंदर आ चुके हैं आराम से। अब मैं क्या करता हूँ, इस होल को एक्चुअली वापस ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि अगर कोई मॉब रूफ के ऊपर स्पॉन हो जाए, अगर नीचे आ जाए तो कुछ टेंशन ना हो, और इस पूरी टनल को भी हम लोग बंद कर देते हैं। एंड सबसे आखिरी में ये गया हम लोगों का पूरा स्टेयर केज, और ये भाई हो गए हम लोग के 4 क्रीपर। इनके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग लगी, क्योंकि नेचुरली लाना इनको लिटरली इम्पॉसिबल है, कोई नहीं ला सकता इतने अच्छे केज में, मैं बोल रहा हूँ। और अब गाइस टाइम आ चुका है माइनक्राफ्ट के रेयरेस्ट मॉब को कलेक्ट करने का। ओके गाइस, मैं मैदान फतेह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले भाई मैं इसका केज बना लूँ, और ये मॉब एक्चुअली काफी ज्यादा अमीर होने वाला है, तो इसको यहाँ पे लाने के लिए मैंने अपना पूरा SBI अकाउंट खाली कर दिया है। और हाँ एक और चीज, मैंने अपनी रेनबो शीप के इस पैटर्न को यहाँ पे रिपीट सा कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है उसकी ऐसी पावर अप सा हो रहा है, आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करें, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे वो पीछे की दीवार थोड़ी सी खाली है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ इमेजिन कर लूंगा, उसको मैं चेंज इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बाहर से भी अजीब सा लगेगा ना ऐसा। और भाई ये रहा हम लोगों के आखिरी मॉब का केज, यहाँ पे भाई उसके लिए एक बड़ी सी कुर्सी है, क्योंकि वो भाई इन सब का राजा है। लेकिन भाई राजा बनाने से पहले हम लोगों को उसका बाजा बजाना होगा, और बाजा बजाने से मतलब मुझे अपना बाजा बजाना पड़ेगा। वो क्या, मुझे लिटरली यहाँ पे बहुत घंटों नहीं दिनों तक वेट करना है, क्योंकि हम लोगों का अगला मॉब का नाम है लेफ्ट हैंडेड लीडर बेबी विलेजर नेटविट चिकन जॉकी। ये क्या नाम है, ये नाम वैसे मैंने कागज के ऊपर लिख के पढ़ा है, मतलब मुझसे याद नहीं हो पा रहा था, और मुझे इसमें से आधे शब्दों का तो मतलब पता नहीं है नेटविट फिटविट क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश तो जरूर करने वाला हूँ इसको स्पॉन करने की, होपफुली आज रात तक स्पॉन हो जाए। आखिरकार इन सबको भाई बाहर निकालो, ये वाला तो लिटरली मरेगा भी नहीं है, हेलमेट पहने हुए ना, वो देखो सारे आ रहे हैं। लिटरली तुम लोगों को पीछे की कहानी बताऊं तो मतलब मैंने पूरे रिकॉर्डिंग पिछले मॉब के और सबको एडिट भी कर दिया था। इस मॉब के लिए मैं पूरे दिन रात अपना कंप्यूटर खोला हुआ था, और अब जाके फाइनली, चलो भाई बादशाह आ गया अपना, अब सुनो इसको जल्दी से बेस के ऊपर लेके चलते हैं। कितनी देर हो गई भाई, कब का बन चुका था ये सब। नाइस यार, अच्छा बनाया, काफी टाइम बाद आके देख रहा हूँ मैं सबको, बढ़िया बढ़िया। चलो ये हो गया कैप्चर माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट मॉब, वो भी मेरे घर के बगल के अंदर। और भाई ये बन गया हम लोगों का पूरा म्यूजियम, मैंने ये पूरी लैब बनाई सबसे पहले इन 3 अजीब से विलेजर्स के साथ। अरे रैंडमली चिकन दौड़ रहा है, रेयर नहीं है, यहाँ का पार्ट नहीं है, उन्हीं के ऑपोजिट उनका जाना माना दुश्मन अपना पीसफुल विलेजर। वैसे ये जाना माना तो नहीं है, हार्मफुल विलेजर होते हैं एक्चुअली, ये अपने ब्राउन मशरूम। और एक्चुअली शीला की जवानी अब जवान नहीं रही, वो बड़ी हो गई, इतना टाइम हो गया। ये रहा अपना स्निफर, जो अभी तक पता नहीं क्या सूंघ रहा है, सारी स्मेल तो निकल चुकी होगी उस रूम से। उसी के ऑपोजिट है हम लोगों का स्नोमैन, इसका केजीआर बहुत ही अच्छा बनाया था, मतलब अभी तक बढ़िया लग रहा है, ये देखो स्माइल आ गया चेहरे पे। उसके बाद यहाँ पे अपनी डायमंड वाली स्केलेटन, भाई इसको देख के अभी तक मुझे चिढ़ आती है, मतलब कितने एरोस। उसके पीछे अपने एलिस जो अभी तक लिटरली अंडे पकड़े हैं वो सेम, और ऊपर पूरी हम लोगों की लिस्ट है मॉब्स की, हम लोगों का पांडा, ये हम लोगों का यूनिकॉर्न, उन दोनों के साइड में अपनी पिंक शीप, और इसका केज काफी अच्छा खासा पीसफुल है। यहाँ पे अपना सबसे डेंजरस वाला एरिया जिसमें 4 क्रीपर रहते हैं, सबसे कोने के अंदर है हम लोगों का स्केलेटन राइडर जिसने मेरी सबसे हेल्थ खाई है, इससे किसी मॉब ने मेरी हेल्थ नहीं ली है। और फाइनली
बादशाह। तो भाई ये हो गए सारे माइनक्राफ्ट के रेयरेस्ट मॉब्स कलेक्ट। और वैसे जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे पिछली वाली वॉल जो दरवाजे की तरफ है वो काफी खाली लग रही है ना, ये हो गई सही। मैंने यहाँ पे ऐसी पेंटिंग सी लगानी, मतलब इस म्यूजियम के एडवर्टाइजमेंट लगाए, पैसा कमता है यहाँ से। और ये आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा सब कुछ, पूरी थीम को मैच कर रहा है। और इंटीरियर पूरा बाहर से ऐसा ट्रेंड सा लग रहा है, अलग सी चीज लग रही है। आई थिंक हम लोगों ने ये काफी अच्छा बनाया। तुम लोगों को कैसा लगा जल्दी से भाई मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना। अब गाइस मैं फाइनली जा रहा हूँ सोने, इसलिए Thank you.